Good morning students. Welcome to online classes of Farnalanu School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EBS of Standard 4th, chapter 15, From Market to Home. Okay, this is part 1. So open the page number 119. अब देख रहे हैं आप पेज नंबर 119 में आपका चैप्टर 15 है फ्रॉम मार्केट टू होम आपने 14 तक हमारा हो चुका है बुक्स की सोल्यूशन के साथ वीडियो के साथ 14 कंप्लीट था तो आज हम फिफ्टीन करेंगे तो यहाँ पे इस चैप्टर को पहले देखिए इसे कुछ पिक्चर है वो पिक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे पब्लिक तो ये लोग क्या कर रहे हैं आप अंदाज लगा सकते हैं ओके और आज हम जानेंगे जो हमारे आसपास सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं ठेले के ऊपर आपके घर के आसपास जो सब्जी लेकर आते हैं बेचने के लिए ठेले के ऊपर वह सब्जी कहाँ से लाते हैं ओके वह सब्जी कहाँ से लेकर आते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे ओके तो ये हम फर्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं तभी तो आपको भी अपनी बुक साथ में ओपन रखनी है जो वर्ड आपको टफ लगेगी उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको अपने नोटबुक में लिख कर उसकी फिर डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढकर आप लिख लीजिएगा ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या है डे एट नाइट रात में दिन ओके तो यहाँ पे है माई नेम इज़ वैशाली माई फादर्स इज वेजिटेबल सेलर माई होल फैमिली अम्मा भैया छोटू एंड आई हेल्प विथ मी हिज वर्क can you guess at the what time we begin our work at 3 o'clock in the morning when most people are first asleep we start our work our day's work begins when amma bhaiya and i take out the previous day vegetable from bags and basket दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी समटाइम्स छोटू टू ऑल्सो हेल्प अस यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि मैं वैशाली हूँ जो वो लड़की है वो अपनी नाम बताती है मैं वैशाली हूँ मेरे बाबू जी सब्जी बेचते हैं उनके जो फादर है वो क्या करते हैं सब्जी बेचते हैं इस काम में अम्मा भैया छोटू और मैं भी मदद करते हैं ओके तभी पिक्चर में देख रहे हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर जब आपको पता है हम काम कब शुरू करते हैं सुबह के तीन बजे से उसमें बता रहे हैं कि हम काम कब शुरू करते हैं सुबह के तीन बजे जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं तब हम अपना काम शुरू करते हैं बापूजी अम्मा भैया और मैं पिछले दिनों की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं ताज़ी सब्ज़ियाँ जो मंडी से लानी होती है कभी कभी छोटू भी इस काम में हमारा मदद करता है अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे यहाँ पे एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर है ब्रॉन ऑफ द टेम्पो इट इज द टाइम फॉर बाबू जी भैया छोटू अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर टू लिव फॉर द मंडी अब यहाँ बताया जा रहा है काम को निपटाकर काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पोपो की सुनाई देती है फिर बाबूजी भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए कहाँ जाते हैं सब्जी की मंडी होती है वहाँ पर सब्जी लेने के लिए जाते हैं ओके शायद आपने भी कभी सब्जी की मंडी देखे होंगे अगर नहीं देखे हैं तो कभी अपने ग्रैंडफादर के साथ या अपने पापा के साथ आप बोल सकते हैं वो आपको दिखा देंगे ओके okay, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली वट टाइम डज वी और सी गेट अप वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली तो क्या तुम्हारे घर में भी किसी को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है किस काम के लिए और किस काम के लिए ओके okay. तो आपके घर पर अब आपको यहाँ बताना है आपके घर पर किसी को बहुत जल्दी उठना पड़ता है अगर कोई उठता हो तो किस समय कितने बजे उठते हैं और किस काम के लिए उठते हैं ओके वो आपको यहाँ बताना है आपको अभी समझ में नहीं आए तो आप अभी मत करिएगा बाद में करेंगे ओके फिर यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रिपेयरिंग फॉर द डे दिन की तैयारी यहाँ पे वाइल बाबूजी इज अवे अम्मा छोटू एंड आई पुट द फ्रीवरेस्ट डे वेजिटेबल और बैग्स एंड स्पीकल सम वाटर ऑन द देन बाई सिक्स थर्टी ए एम बाबू जीज़ बैग फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट एंड स्नैक् फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एट दैट टाइम आवर हाउस लुक मोड एक मिनट यहाँ पे Like a small vegetable market, there are brinjal, potato, tomato, pumpkin, bindi, chili and many others vegetables all around. Everybody help in storing the vegetable, the vegetables which are not fully ripe and ready. To, see, to sell at the keep aside we have to sort the vegetable first. बजार एज अर्ली एज पॉसिबल तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बाबूजी के जाने के बाद छोटू और उसकी जो अम्मा और आप ये पिक्चर देख रहे होंगे एक मिनट आप ये पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बाबूजी के जाने के बाद छोटू अम्मा और मैं पिछले दिनों की बची सब्जियों को क्या करते हैं बोरियों में रखकर पानी छिड़कते हैं सुबह लगभग सिक्स थर्टी बजे तक बाबू मंडी से ताजी सब्जियों के टोकरी और बोरे लेकर घर पहुँच जाते हैं उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है क्योंकि तो सारी सब्जी घर पे आती है तो क्या लगता है कि घर घर ही सब्जी मंडी है ओके तो घर पे सब्जी में क्या क्या आता है यहाँ पे बता रहे हैं बैंगन है आलू टमाटर भिंडी, पेठा घिया मिर्ची सब चारों तरफ से दिखते हैं घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छाटते हैं जो सब्जियाँ कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती उन्हें अलग रख देते हैं यह सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके ओके तभी हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे इस पेज में भी आप देखिए एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आदमी ठेले पे किस तरह से सब्जी लेकर ये जा रहे हैं तो आपके भी आप भी जिस सोसाइटी या जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ आसपास भी सब लोग सुबह सुबह सब्जी लेकर आते हैं हाँ तब इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे बाय सेवन ओ क्लॉक बाबू जी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन देंड क्राफ्ट एंड लीव्स फॉर द बाजार ही से दैट इफ़ इज द लेट देन सी रेगुलर मैनी बाई देय वेजिटेबल्स फ्रॉम सम वन एल्स ए सोन बाबू जी लिवस आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैप टू रिच स्कूल बाई सेवन थर्टी ए एम यहाँ पर बताया जा रहा है कि सात बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगा कर बाबू जी और भैया बाज़ार चले जाते हैं ओके मॉर्निंग में से सात बजे तक सब लोग क्या करते हैं सब्जी को ठेले पर रख कर बाजार चले जाते हैं बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरी सब्जी वालों से सब्जियां क्या करेंगे खरीद लेंगे बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार तैयार होती हूँ मुझे भी तो सेवन थर्टी बजे तक स्कूल पहुँचना होता है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको स्कूल पहुँचना रहता है फिर भी वो स्कूल पहुँचने से पहले कितने सारे वो घर की और अपने पापा की वो काम में हेल्प करती है ओके फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे इन दजारे पिक्चर होकर उस के लिए निकल चुका है स्कूल तो इन द आफ्टरनून हिज रेस्ट फॉर वाइल एंड गोज टू बाजार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी एंड भैया ही स्टे विद द वेजिटेबल क्राफ्ट यूनिटी इट इज टाइम For him to get and go to school. Sometimes he goes back after school to help Babuji. Babuji tries to see that the previous day's vegetables are sold fast. सोल्टफास्ट अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बाबू बाज़ार में छोटू का स्कूल दोपहर का है छोटू का जो स्कूल है वो दोपहर का है वो थोड़ा आराम करके अपने पापा और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुँच जाता है थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है बाबूजी पिछले दिनों की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं फिर आज की फ्रेश सब्जी को वो निकालते हैं ओके तो यहाँ पे हम पार्ट वन एंड करेंगे अब नेक्स्ट डे हम पार्ट टू में मिलेंगे तब तक आपको क्या करना है आपके घर पर जो वेजिटेबल्स आते हैं वो सारे वेजिटेबल को आपको पहचानना है और आपको देखना है मॉर्निंग में अगर ठेले पर आपके सोसाइटी या फिर आपके आसपास कोई सब्जी लेकर आता है तो वो किस तरह से सब्जी वो अपने टोकरी में या किस तरह से वो रखता है वो आपको देखना है ओके ओके तो फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर